एक जाना पहचाना नाम, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अंग्रेजों का हुक्म मानने से इनकार कर दिया और निहत्थे पेशावर में लोगों पर गोली चलाने से मना कर दिया। चंद्र सिंह गढ़वाली एक सैनिक के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। वो गांधी और नेहरू के विचारों से बहुत प्रभावित थे। छावनी में लोगों को अक्सर वो उनके विचारों से अवगत कराते थे। छावनी में एक जवान ने एक गाना बनाया और बैरक में सबके सामने गाया, फिरंगियों की नाक के नीचे। Hey,
साफ सी हूं चा अरे मेरे धंधा में शेयर दा दी इतना शेयर दा रे अरे कबेज ना ये तो लोगों जी सोड़िया में जा ए ये गाना कौन गा रहा है सर ये सभी जो गाना आई सी ये गाना कौन गा रहा है गांधी नेहरू पल्टन व्हाट इज दिस गांधी नेहरू चिकन मोर के रो सब हम गाने गाता था कि हमारा पल्टन गांधी नेहरू को देख लेगा हां गांधी नेहरू देख लेगा वेल पल्टन तो गांधी नेहरू को देख लेगा मगर तुम लोग लिसन करो केयरफुली अरे कि ये की प्लीज नहीं जा अपने नजर मुड़ जा और फिर प्यार मुड़ जा हे साइंस क्यों लोग इतना सब तो हाय आर्मी में एक्टिव रहना चाहिए रेडी टू फाइट स्टैंडर्ड एट और ये खान अब्दुल गफार खान का लाल मूर्ति वाला अहिंसा का सेनानी
आंदोलन से ही आगने चला है। लाल कुर्सी वालों का आंदोलन दबड़ों को अंग्रेजों को सब नेता गिरफ्तार कह रहे हैं। जनता कुछ विरोध विकारी और एक आप गाड़ी भी पकड़ लो। अच्छा अब समझ में आई कि मैं जो था प्रिंस से आज का खिलाफ जो या फिर गांधी जी के पलटन पर लाल कुर्सी को जमा कौन और बताई खिदमत गार भी कौन ऊन वक्त कानून से लुक छुपे के रूल बना और देखो क्या उत्तर नहीं रही तो अच्छा तो अरे भाई तो सच्ची पूरे हो भाई। अरे ये मुड़न लूड़े आते हो लो तो मैं ढोड़ो। अरे तुम ये मुड़े का बड़े लावा इस बार आपने तो कांग्रेस की मीटिंग मजे ही खाए। अच्छा वो की बेटा ना। अच्छा और दबड़ो एक बात अब ये लूड़े की लाज रखे मारे ये बात कर रहे हैं। जो लोग आप देश की आजादी के बाद लड़ना चाहें क्या सर कुछ खून पर क्या फट गया कभी ना नारायण सिंह नारायण बलि कर दियो पर भूत बलि को तेरी जो आप मत नहीं भट कर दियो इना सुना अंग्रेज छोड़ते ना उनका जी हैं ये देखा सारा इन नौकर बड़े ढूंढ पड़ा ना हाथ नारायण पिंसन अन्नारायण पिंसन पटा पानी का इंतजार करो सर पहले के देखो जल्दी जाओ और इस इंजन को बाहर
चलाने के लिए हुक्म देता है, लेकिन सबका सब खड़ा का खड़ा रह जाता है। एक भी फौजी आंदोलनकारियों पर गोली नहीं चलाता, और उधर सब सब के सब फौजी बगावत कर देते हैं। कहा जाता है कि चंद्र सिंह ने गोरों से कहा था कि रॉयल गढ़वाल राइफल्स निहत्तों पर गोली नहीं चलाता। इसी बात को लेकर पठान लोग चंद्र सिंह और रॉयल गढ़वाल राइफल्स की जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। जुलूस निकालना गैर कानूनी है। तुम्हें पावर तक दिया जाता है कि सभी लोग तुरंत वापस लौट जाए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरे पटना साहब तू गिरा के अब क्यों बोलू? अरे कोशिश कर रहा कि तब तक तुम्हारे करण पड़ बस जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
Thank you.
महिला पठान के रूप में सुमन गौर, कलाकारों का हौसला तालियों से जरूर बढ़ाएं आप। सुमन गौर, महिला पठान के रूप में कुसुम चौहान, पठान का अभिनय दर्शन सिंह रावत, जीत सिंह का अभिनय आपके सामने निभा रहे थे गौरी रावत, फौजी हरक सिंह का अभिनय वीरेंद्र दत्त अमोला, तालियां बजती रहे। लूथा सिंह का अभिनय सुमित भारद्वाज, फौजी गायक के रूप में जो आपके सामने थे अंकित भंडारी, क्रिकेट का अभिनय निभा रहे थे कलाकार कपिल मोहन, और मार्टिन के अभिनय में महेंद्र रावत, जोरदार तालियां दीजिएगा। फौजी नारायण सिंह का अभिनय जाने माने कलाकार हरेंद्र रावत, फौजी जय सिंह के रूप में आपके सम्मुख गिरधारी रावत, जोरदार तालियां दीजिए इस कलाकार के लिए। फौजी चंद्र सिंह गढ़वाली एक ऐसा अभिनय जिस पर ये पूरा का पूरा नाटक, और आज जिसकी जयंती 125 भी हम मना रहे हैं, जोरदार तालियां आप दीजिएगा। रमेश ठंगरियाल एक कलाकार जो पूरी रिहर्सल पर हमारे साथ रहे, स्वास्थ्य खराबी से वो अभिनय नहीं कर पाए, श्री दलबीर सिंह रावत, उनके लिए भी आप तालियां दीजिएगा। मित्रों, मंच से परे कुछ लोग अपनी कुशलता का अभिनय हम लोगों को दे रहे थे, उसमें वस्त्र विन्यास कुसुम अजय बिश्त अगर यहां हो तो मंच पर आ जाएं, अच्छा लगेगा, और लक्ष्मी रावत पटेल, रूप सज्जा हम लोगों के साथ किया नीलम, श्रीमती नीलम, वस्तु सामग्री कुसुम अजय बिश्त, लक्ष्मी पटेल एवं कुसुम चौहान, ध्वनि का संचालन हिमानी बिश्त, पूरा कंट्रोल जो आप बीच में साउंड इफेक्ट्स देख रहे थे वो हिमानी, सेट का निर्माण जो आपने पीछे पूरा यहां पर एक छावनी बनी हुई देखी वो जोगिंदर सिंह, जोगिंदर सिंह ये जो नाटक आपने देखा उसके गीत और उसके नाटक लेखक हमारे बीच में यहां अभी मौजूद नहीं है, दिनेश बिजलवाण, जोरदार तालियां उनके लिए दीजिएगा। और सूत्रधार के रूप में वरिष्ठ रंगकर्मी श्री हेमपंत जी, जोरदार तालियां। और मित्रों, मैं जिस कलाकार के रूप में कहूं या किसी अभिनेता के रूप में कहूं या एक बहुत वरिष्ठ व्यक्ति के रूप में कहूं जिसको बुलाना चाहता हूं, जिसने इस नाटक को पूरा सजाया है, पूरी परिकल्पना और इसका निर्देशन किया है, आपकी तालियों के साथ बुलाना चाहता हूं हरि सेमवाल, तालियां बजती रहेंगे। और हम इस कलाकार, इस हरि सेमवाल की, इस अभिनय कला का आनंद लेते रहेंगे। हमारे बीच में हरि सेमवाल, लोगों को हमारा ये नाटक कैसा लगा इसकी जानने की इच्छा रहेगी हमारी। मैं हरी जी आपके सामने दो शब्द कह रहे हैं, आप उनके बातों को सुनिएगा। नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कुंत मनगढ़ वाले मामून जो पर क्या कर यक कर देश लोग भी चिंत बैठे हैं। आप लोगों के या दोबारा आने का वास्ता या बहुत बहुत धन्यवाद। असल में बात यह चाहिए, ये जो चंद्र सिंह गढ़वाल नाटक है 125वीं वर्षगांठ का उपलक्ष्य में हम मनाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह चाहिए कि आप लोगों ने अपना समय दिए कि
जन भी हमसे मिल सके थोड़ा सा समय में, जो हमने आपकी अपनी प्रस्तुति आपके सामने रखी, ये का वास्ता दोबारा से मैं आपके धन्यवाद दे दूँ। और एक सूचना, 30 दिसंबर 6:30 बजे LTG सभागार मंडी हाउस कॉपरनिकस मार्ग पैसा ने ढिल्ला गुमान सिंह रौतेला कुमंचन हो जानो च जो भी गड़बड़ हिमाचल ये का लेखक छन श्री राजेंद्र धस्माना। इसी सूचना के साथ आपको नव वर्ष की और क्रिसमस की शुभकामनाएं, आपका नव वर्ष मंगलमय हो, धन्यवाद।